घर वाली बाहर वाली के चक्कर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ वाला चक्कर कुछ अलग सा है। ये चक्कर दोनों घर वालियों का है, जिनके बीच मिस्टर मोदी फंस चुके हैं। एक तरफ है शारदा तो दूसरी तरफ अभी अभी आई पल्लवी। इन दोनों धर्म पत्नियों के बीच बुरी तरह पिस रहे हैं मिस्टर मोदी। शूटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही दो औरतों के साथ। अब आप अगर रियल लाइफ में कर लेंगे तो, क्योंकि यहाँ तो पैकअप सुनते ही मैं रिलैक्स होता हूँ कि हाँ चलो मेरी तो एक ही बीवी है। यहाँ शारदा डरती है क्योंकि उसको हर बार ऐसा महसूस होता है कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। रही बात दूसरी औरत के आने से, तो मुझे लगता है फिर तब तो एक अलग रूप इख्तियार कर सकती है, क्योंकि अगर वो माँ दुर्गा है तो माँ काली भी है, तो आई थिंक दोनों रूप नजर आएंगे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है। अब यहाँ ही देख लीजिए, किस्मत ने आपके अतीत को आपके सामने ला खड़ा किया है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसी मझधार में फंस जाएंगे। अब आपने कभी सोचा भी था कि आपकी दोनों धर्म पत्नियों का आमना सामना होगा, और तो और आप तीनों एक ही समय पर एक ही जगह मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा था? जो होना था वो तो हो गया, किस्मत ने आप तीनों को इस पार्टी सीक्वेंस में मिला दिया। पल्लवी और शारदा का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी की हालत खराब हो गई। एक बीवी से छिपते छिपाते तो दूसरी सामने आ जाती, और उसे संभालने जाते तो पहली वाली की एंट्री हो जाती। अब फंसी गए तो मोदी जी ने सोचा क्यों ना दोनों धर्म पत्नियों को खुश कर दिया जाए, इसलिए जुट गए एक की सेवा करने में। वहीं दूसरी मोहतरमा के साथ खूब फोटो सेशन कराने लगे। मोदी जी, हमारी मानिए फिलहाल यहाँ से कट लीजिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं आपकी दोनों धर्म पत्नियाँ बहुत अच्छी दोस्त हैं, और उन दोनों को ये पता नहीं कि वो एक दूसरे की सौतन है। इससे पहले कि इस राज का खुलासा यही हो, आप यहाँ से निकल ही लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।